नमस्कार दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार खतरे में आ गई है। जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। चुनाव आयोग के इस रिपोर्ट के बाद राज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया है। अब झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि एक नाम भी सामने आया है जो कि हेमंत सोरेन के परिवार के सदस्य ही हैं। जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज सुबह बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री के तार जुड़ने के आरोप से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई है। बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है और चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की ओर से एक खान अपने नाम करवाने के मामले में यह सिफारिश की है। राज्यपाल रमेश वैश दोपहर 12 बजे दिल्ली से निकलेंगे और करीब 2 बजे रांची पहुंचेंगे। करीब 3 बजे तक राजपत्र में प्रकाशित भी हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें, सूचना के अधिकार यानी RTI के लिए काम करने वाले शिवशंकर शर्मा ने 2 जनहित याचिकाएं दायर कर CBI और ED से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी। आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टोन क्यूरी माइंस अपने नाम आवंटित करा ली थी। सोरेन परिवार पर सेल कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। लेकिन अब उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस शर्त में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा झारखंड का, अब इसको लेकर भी गहमागहमी तेज हो गई है। अब इसको लेकर नाम भी सामने आने लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब हेमंत सोरेन के विकल्प को ढूंढने लगी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पद हेमंत सोरेन के परिवार में ही रहेगा। लेकिन वहीं BJP ने कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि हेमंत सोरेन अपने विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी, क्योंकि राज्य की कैबिनेट में खनन वन मंत्री का पदभार हेमंत सोरेन के पास ही है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आज सुबह ही चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी इस मामले में, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस संबंध में यानी राजपत्र में अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राज्यपाल के झारखंड पहुंचते ही इसे राजपत्र में भी प्रकाशित करवा दिया जाएगा।